नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी नाइन। मैं हूं प्रियंका संभव। ये पूरा हफ्ता है फिनेंशियल प्लानिंग वीक, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि फिनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सही सीख हम आप तक पहुंचा सके, ताकि आपसे कोई चूक ना हो। और आज इसमें मेरी मदद करने के लिए विनायक सप्रे जुड़ चुके हैं। फिनेंशियल कोच हैं विनायक सप्रे, और साथ ही में रहीम और कबीर के दोहों को कंपाइल करके ये लेकर आए दोहा नॉमिक्स, जिसमें आपको कबीर और रहीम के दोहों से किस तरह की फिनेंशियल सीख मिलती है ये पढ़ने को मिलेगी। और हम भी विनायक जी को इसीलिए लेकर आए हैं कि इनसे इस फिनेंशियल वीक में एक खास सीख आपके लिए। नमस्ते विनायक जी, धन्यवाद आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। तो मुझे लगता है एक सीख जो अभी बहुत जरूरी है, जो लोग निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो निवेश में पहला कदम उठा रहे हो या फिर निवेश करते आ रहे हो, वो है बच के रहना ए निवेशको। और ये क्यों उनको बच के रहना है, मैं चाहूंगी कि आप इसे थोड़ा सा एक शानदार दोहे के साथ एक्सप्लेन कीजिए। जी धन्यवाद, और मुझे आमंत्रित करने के लिए एक दोहा, ये बहुत अप्रोप्रिएट है स्पेशली आज के जो माहौल चल रहा है उसमें। और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कबीर साहब एक बात कहते हैं, वो कहते हैं सांचे कोई न पति जई, झूठे जग पति आए। कि सच्चे आदमी की बातों में लोगों को विश्वास आसानी से नहीं होता। लोग झूठा जो आदमी होता है उसके जो छलावा बातें होती हैं, चकाचौंध वाली बातें होती हैं, उसमें लोग फंस जाते हैं। झूठे जग पति आए, गली गली गोरस फिरे। ये कुछ ऐसा है कि दूध को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है, मदिरा बैठी बिकाए और शराब अपनी जगह बैठे बैठे बिक जाती। आपने कभी ये नहीं सोचा, देखा होगा कि शराब को बिकने के लिए तकलीफ हो रही। तो आमतौर पे फाइनेंशियल सेक्टर हो या ग्लैमर वर्ल्ड हो, अक्सर ऐसी जगहों पे लोग चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं। और जो सीधी सच्ची बात करने वाले लोग हैं, वो उनको समझते हैं कि ये लोग बड़े बोरिंग है, ये एक्साइटमेंट नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ इस दोहे के जरिए, इन लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि चकाचौंध के पीछे ना जाएं। लोग जो आपको ऐसे रिटर्न, जो कि इरेशनल रिटर्न है, जिनको पे कि आंखों पे विश्वास करना मुश्किल है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, अगर ऐसा कोई आपको छलावा दे रहा है तो उनकी बातों में ना आए और रैशनल थिंकिंग से काम लीजिए। ज्यादा एक्साइटमेंट अपने मैं पैसे। चाहूंगी आप एकदम साफ तौर पर बताइए कि आप किस चकाचौंध की तरफ इशारा कर रहे हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो एक संदेश लेकर जाएं। कौन सी वो चकाचौंध है जिससे आप चाहते हैं निवेशकों को बच के रहें, दूर रहें? तो अगर आप देखें तो कई जगह पे आजकल संदेश आ रहे हैं संचार माध्यमों में भी, कि लोग कहते हैं कि आप नौकरी भी छोड़ सकते हैं, आप इतना पैसा कमा लेंगे, थोड़े से पैसे डाल के आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा देखिए, शायद लाखों में एक के साथ हो सकता है या कभी हुआ होगा, लेकिन आम तौर पे लोग इस तरह से पैसा नहीं बना पाते हैं। आपका रिटर्न जनरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा इट हैज टू बी इन लाइन विद द मार्केट। जो अगर एक बड़ी अच्छी किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें भी जो लेखक कहते हैं कि मार्केट सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है, आप मार्केट को आउटस्मार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जरूरत से ज्यादा, अगर आपको कोई रिटर्न की बात कर रहा है, ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है, आपका व्यवहार, आप कितना पैसा बनाएंगे इस पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने पैसे के साथ अच्छे से व्यवहार अनबिलीवेबल रिटर्न जो है उस पर बिलीव नहीं नहीं कीजिए। करें, जी ओके अनबिलीवेबल रिटर्न जो है उस पर बिलीव मत करिए। क्यों? क्योंकि ओके एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है। अगर आप इसका सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और इसका सम्मान नहीं करेगा, ये बात भी उतनी ही सच ठीक है। तो हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती, वो है। सोने जी जैसी दिख सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि वो सोना हो। इसीलिए निवेशक सोच समझकर फैसला लें। और धन्यवाद विनायक जी, आपने टाइम निकाला। मनी नाइन देखते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हम मदद करते हैं ऐसे ही निवेश को पहचानने की जो केवल चमके ही नहीं बल्कि आपको वाकई में रिटर्न भी दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, और फाइनेंशियल प्लानिंग करिए सोच समझ कर। ज्यादा रिटर्न के लालच में कहीं गलत जगह निवेश करने की गलती नहीं कर बैठिएगा।